है दोस्तों, कैसे हैं। आज 31 अक्टूबर है 2019, आज एक्सपायरी हो गई निफ्टी की और निफ्टी ने क्लोज दिया 11877। अच्छा है, ये 11700 से ऊपर रह रहा है, मेंटेन कर रहा है। अभी जो रेंज होगा इसके लिए नेक्स्ट वीक के लिए 11800 से 11950 के रेंज में ये रह सकता है। एक शॉर्ट रेंज में भी ट्रेवल करता हुआ आपको दिख सकता है। तो थोड़ा सा इस पर अगर ऊपर की ओर जाए तो इनफैक्ट आप उल्टा कीजिए इसको, जब नीचे जाए तो उसको बाई कीजिए, क्योंकि शॉर्ट अगर टाइमली कवर नहीं कर पाएंगे तो, क्योंकि अब ये शॉर्ट का पोजीशन है नहीं, तो अगर नीचे जाता है तो आप बाई की पोजीशन को उसमें बनाए रखिए। आज 11877 पे क्लोज हुआ है, 32 एडवांस 18 डिक्लाइन है। जो गेनर है यस बैंक 23% से, जी एस बी आई, ग्रासिम, इन्फोसिस। जो लूजर है जे एस डब्ल्यू, आई ओ सी, टाटा स्टील, एक्सिस बैंक, टेक महिंद्रा। जो इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स में लगभग सभी गेनर हैं और इंडिया फिक्स 2 पॉइंट से नेगेटिव है, इसलिए मार्केट भी अप भी है। निफ्टी बैंक, निफ्टी ऑटो सभी अच्छे, फाइनेंशियल भी थोड़ा नेगेटिव है। और जो सबसे अच्छा करते हुए दिख रहा है आपको निफ्टी मीडिया, निफ्टी पीएसयू बैंक और निफ्टी रियल्टी, ये तीनों बहुत अच्छा करते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पर आपको भी ध्यान रखना चाहिए। और अगर मैं वॉल्यूम के साथ भी देखूँ तो स्टॉक ऑक्शन में देखेंगे तो यस बैंक 23% गेन है, अच्छा है। और वनली बायर्स में भी यस बैंक है और 52 वीक हाई लो में एमपीएस है। प्राइस होल्डर में भी चले जाए तो वहाँ पे है। अगर मैं एफआईडीआई की बात करूँ तो कैश में एफआई ने अभी तक पूरा मंथ टिल डेट 31 अक्टूबर 8,595 करोड़ की खरीदारी की, जहाँ पे दोनों डीआईपी नेट परचेजर रहा और एफआईबी नेट परचेजर रहा। लास्ट मंथ की बात करें तो डीआई परचेजर था 12,000 करोड़ से और एफआई सेलर था 6,600 करोड़ से। वहीं आप देखेंगे आप दोनों ही परचेज बाइंग मोड में है, तो कमिंग डेज में ये वॉल्यूम आपको ऊपर नीचे जाते हुए बढ़ता हुआ दिख सकता है। एक अच्छी बात बताता हूँ आपको, कुछ एक्सेल में डाटा मैंने किया था, जब आज बल्क डील देख रहा था तो इन सबों में बल्क डील हुआ ज़्यादा, उसमें जो यस बैंक हुआ है देखेंगे गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल ने बाय किया है 1.35 करोड़ शेयर। तो ये आपके नॉलेज के लिए, ये क्या है गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल कौन है, तो ये एक विदेशी कंपनी है जो कि इन्वेस्ट करती है। और आप देखेंगे यहाँ पे तो द गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल नॉर्वे की है, इज ए फंड इन टू विच द सरप्लस वेल्थ प्रोड्यूस बाय नॉरिन पेट्रोलियम इनकम इज डिपोजिटेड। तो आप इसके बारे में जाकर के यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। ये कंपनी जहाँ ऑयल फंड्स का काम करती है और पहले ये जो जानी जाती थी ये पेट्रोलियम सेक्टर से बिलोंग करती है, नॉर्वे पेट्रोलियम सेक्टर, इसको नॉमिनेचर करके गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल कर दिया गया। तो इन्होंने इन्वेस्ट किया है और वो भी 1,35,00,000 शेयर को बाई किया, 73.42 में बाई किया है। ये सब बल्क डील है जो आपको वाच रखना चाहिए। और एक शॉर्ट सेल हुआ है अभी अभी चोलामंडलम में, इंडिगो में, इंफ्राटेल में शॉर्ट सेल की पोजीशन बनाई गई है, लेकिन इसमें चोलामंडलम ज़्यादा ध्यान रखिए क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी से शॉर्ट सेल की पोजीशन बनाई गई है। और अगर हम इसमें अगर चार्ट में भी देखें तो ट्रेडिंग निफ्टी ट्रेडिंग में भी देख लेंगे, बट डेरिवेटिव में 11877 पे क्लोज हुई है। 7 नंबर की पोजीशन में देखें तो आप देखेंगे 11900 पे, 11850 में देखेंगे तो उतना नहीं है, लेकिन 9,65,000 से जो पोजीशन बन रही है, 13,73,000 और 3,18,000 से और 14,00,000 से ओपन इंटरेस्ट यहाँ 12,000 तक है। 12,000 में ही निगेटिव पोजिशन, प्राइस एक्शन निगेटिव हो रहा, शॉर्ट की पोजिशन बनना चालू हो गई है। मीन्स 12,000 इधर इसको जाना नहीं है। और इनफैक्ट आप देखेंगे तो 11,900 पे भी 7,00,000 पोजिशन का, 8,19,000 से इसको तोड़ा जा रहा है और 11,800 में 13,00,000 का ओपन इंटरेस्ट है। तो कहीं ना कहीं 11,800 से लेकर के 12,000 के रेंज में आपको घूमता हुआ दिख सकता है। अगर 12,000 पे जाए तो आप शॉर्ट की पोजिशन बना के 11,800 पे जाए, 11,800 पे तो आप 12,000 के लिए, ऐसा करके चाहे तो आप वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, देख रख सकते हैं। और एक रेंज में हो सकता है कि ये आपको घूमता हुआ दिख सकता है। तो 11,800 से लेकर के 12,000 के रेंज में ये आपको काम करते हुए दिख सकता है। और 32 एडवांस है, डिक्लाइन 38 है, ये आपको बताई दिया। आप अगर एक पीएसयू बैंक में भी देख लेंगे तो पीएसयू बैंक में अच्छी खासी गेन आ रहा है। वहाँ पे आप देखेंगे सेंट्रल बैंक में चेंज 11% है, SBI में 7%, सिंडिकेट में 5% है। तो यहाँ पे आप चाहें तो यहाँ पे भी पोजीशन को बनते हुए देख सकते हैं। और SBI में
हो सकता है ये 350 की ओर जाते हुए आपको दिख सकता है कमिंग डेज में। तो SBI पे भी अगर फॉल करे तो आपको यहाँ पे बाइंग पोजीशन बनाकर रखनी चाहिए। SBI PNB BOB में, बैंक ऑफ बड़ौदा में 97 पे, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं क्योंकि ये सब 144 का है। तो कमिंग डेज में इनके रिजल्ट भी अच्छे ही आएंगे, और इनफैक्ट बैंक ऑफ इंडिया में भी आप देख सकते हैं ये सब बैंक अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। PSU बैंक 3 पॉइंट से ऊपर अच्छा काम किया है, तो आप यहाँ पे वॉचलिस्ट लगे PSU बैंक में पोजीशन बनाएं। पहले वो नहीं होता था लेकिन अभी आना चालू हुआ है, तो आप इसे पोजीशन बना करके रख सकते हैं। तो निफ्टी पे ये जो बाइंग सेंटीमेंट आया है ये एक अच्छा सेंटीमेंट है, तो आप इसको देख करके चाहें तो एक पॉजिटिव व्यू इसमें निफ्टी पे रख सकते हैं। और निफ्टी में कहीं वापस आप वो रेंज में 12,000 से 11,800 के रेंज में इसको कमिंग डेज में आप देख सकते हैं। निफ्टी पे सिर्फ मेरा एक ओपिनियन था, व्यू था, मेरा कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।